आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब सलाम और मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने यूपी टीजीटी 2022 सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवाल माँ जवाब लेकर हाजिर हूँ, मॉक टेस्ट पार्ट 13। तो आइए मिलाते आखिर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं है, ये किस नक्काद का कॉल है? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, 5 सेकंड का वक्त दिए जाना, जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कलीमुद्दीन अहमद का कॉल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, असलियत, जोश और सादगी की बहस किस किताब में मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मुकदमे शेर व शायरी, ये हाल ही की तसनीफ़ है जो 1893 ईस्वी में लिखी गई, इसमें यह बहस मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, असरार मुआबिद प्रेमचंद का पहला नावल है। मुंशी प्रेमचंद का दो नावल जो नामुकम्मल है, एक पहला नावल असरार मुआबिद, दूसरा है जो है मंगलसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेमचंद के किस अफसानी मजमू को अंग्रेज़ों ने जब्त किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, शोज़े वतन। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेहरा किस सिनफ़े सुखन का जुजू है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मर्सिया का जुजू है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 19वीं सदी की तहरीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुम मेरे पास होते हो या जब कोई दूसरा नहीं होता, मजकूर पास शेर किस शायर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मोमिन खान मोमिन का ये शेर है जिसके एवज में गालिब ने अपना पूरा दीवान देने को तैयार हो गए थे गालिब। क्वेश्चन नंबर 8 है, लफ्ज़ ख्वाब में कौन सा वाव मुस्तमिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, वाव मादुला। क्वेश्चन नंबर 9 है, आवारा किस शायर की मशहूर नज्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मजाज लखनवी की मशहूर नज्म है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ताजमहल किस शायर की नज्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, साहिल लुधियानवी की मशहूर नज्म है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मजरू सुल्तानपुरी को फिल्मी अवार्ड दादा साहब फाल्के से कब नवाजा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 1994 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, जेगम डकारता हुआ निकला कछार से किसका मरसिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, दबीर का मरसिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाख्ता को किस चीज़ की अलामत समझा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, अमन का की अलामत समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मजरूह की शायर से मुतासिर थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, जिगर मुरादाबादी से मुतासिर थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मुंशी प्रेमचंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सी किताब सर सैयद की सवान हयात है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, हयात जावेद। क्वेश्चन नंबर 17 है, रहनुमा की जिद बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, रहजन। रहनुमा की जिद क्या है? रहजन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से दास्तान का अहम अंसुर क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, माफ़ुकुल फितरत अनासिर। क्वेश्चन नंबर 19 है, आसमान पर थूकना कायदे के अतबार से क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, महावरा है ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, यादगारी गालिब 30 की तसनीफ है? क्वेश्चन नंबर 21 है, यादगारी गालिब 30 किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सालेहा आबिद हुसैन की तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 22
वन है। चार मिसरे वाली नज्म को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन थ्री, मुरब्बा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें कौन सा लफ्ज साबिका की उम्दा मिसाल है? साबिका मैंने जिस लफ्ज से पहले आते हैं और उसका एक अलग मानी को चेंज कर देता है, बदल देता है, उसको कहते हैं साबिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, पुरदर्द। क्वेश्चन नंबर 23 है, उर्दू जबान का पहला अखबार किस नाम से शाया हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन टू, जामे जहानुमा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नवाब मिर्जा किस शायर का लकब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, दाग दहलवी का लकब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उर्दू का पहला मतबुआ अखबार कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन टू, जामे जहानुमा। उर्दू का पहला अखबार भी है, उर्दू का पहला मतबूआ अखबार भी है, जामे जहानुमा। ऐसे उर्दू का पहला अखबार देखा जाए तो दिल्ली उर्दू अखबार जो है ये पहला अखबार है जिसे मौलवी मोहम्मद बाकी ने निकाला था, लेकिन उर्दू का पहला मतबूआ अखबार अगर पूछे तो जामे जहानुमा है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों एक प्रीवियस क्वेश्चन जो हमसे भूल हो गई थी वो मैं उसकी दुरुस्त कर देता हूँ उसको। तो पहला अस्सा शेर के रुबका में सबसे ज़्यादा तसनीफ किसकी है? तो ये मैंने इसको मौलवी चिराग अली बताया था, जबकि अस्सा शेर के रुबका में सबसे ज़्यादा तसनीफ जो है वो मौलवी जकाउल्ला की है। अस्सा शेर के रुबका में सबसे ज़्यादा तसनीफ किसकी है? मौलवी जकाउल्ला की है, याद रखना है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्तों आफिक अंसारी को अल्लाह हाफिज़।